हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्मों को लेकर, कि उनकी जो मेन फिल्में हैं पूरी, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो वो फिल्में जिनका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखा जा रहा है। वैसे तो मैं आपको नॉर्मली अपडेट करता रहता हूँ अभिषेक बच्चन की हर आने वाली फिल्म से, लेकिन इस बार की जो फिल्म है, लिस्ट है, वो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि बात करूँगा आज इस वीडियो में अभिषेक बच्चन की अपकमिंग 3 मोस्ट पॉपुलर फिल्मों को लेकर, जिसमें कि शामिल है सबसे पहले 10वीं, जिसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, और फिर इसके बाद आती है धूम 4, ये सेकंड हाईएस्ट क्रेज मूवी है, और तीसरी है भाई साहब रीमेक होने के बावजूद SSS 7। ये 3 फिल्में हैं अभिषेक बच्चन की जो कि आने वाले टाइम में रिलीज होंगी, और इनका क्रेज़ कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में। वेल, आपको याद हूँ जो फिल्म है 10वीं, जिसे कि डायरेक्शन दे रहे हैं तुषार जालोटा, डेब्यूटी डायरेक्टर हैं, बावजूद इसके ये फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है, सोशल ड्रामा फिल्म है, इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। प्रोड्यूस कर रहे हैं जाने माना प्रोड्यूसर, बोले तो दिनेश रिजान, और बैनर है मैडॉक्स फिल्म्स। काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, OTT पर ये फिल्म प्रीमियर होगी हर बार की तरह, लेकिन एक चांसेस है जो फिल्म है SSS 7, जिसे कि पार्थिवन डायरेक्शन दे रहे हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं, और जो फिल्म है SSS 7, सिंगल चप्पल साइज 7 करके इसका हिंदी में वर्ड है, बोलते हैं वर्डिंग्स है जो भी, इसी सेम फिल्म के डायरेक्टर हैं। और आपको याद दूँ, खास बात यह है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस खुद अभिषेक बच्चन कर रहे हैं, जिसके चलते चांसेस हैं कि फिल्म थिएटर में भी रिलीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं लिस्ट की तीसरी फिल्म यानी कि धूम 3 को लेकर, जिसे कि डायरेक्शन दे रहे हैं जाने माने डायरेक्टर विजय कुमार आचार्य। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है अगर रिलीज़ होती है अभिषेक बच्चन के साथ। वैसे तो अभिषेक बच्चन ने एक बार के लिए मना कर चुके हैं इस फिल्म को लेकर, लेकिन देखना ये होगा कि अभिषेक बच्चन के अपोजिट मेन लीड में विलेन के तौर पे कौन से एक्टर आते हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान या फिर सलमान खान। उसी बेसिस पर पता चलने वाला है कि अक्षय, बोले तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म को, इस रोल को करेंगे या फिर नहीं। अदरवाइज़ देखते हैं यार कि क्या होता है, क्या अपडेट आती है। और इसको प्रोड्यूस कर रहा है जाना माना बैनर यशराज फिल्म्स, बोले तो आदित्य चोपड़ा। वेल, आप इन 3 फिल्मों में से किस फिल्म का कर रहे थे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार, आपकी जो भी राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।